एंटिटी एजुकेशनल चैनल। डियर फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करेंगे सेल में पाए जाने वाले कुछ स्पेशल ऑर्गेनल्स की। हम लोग सेल में बहुत कुछ सीख चुके हैं। लास्ट हम लोग ये समझे थे कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से किस प्रकार बैकुल्स बनता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से हम लोग देखे थे लाइसोसोम का बनना समझे थे हम लोग इसके बाद समझे थे कि किस तरह से वेस्ट डिस्पोजल मैनेजमेंट होता है। तो हम लोग बात कर रहे थे एनिमल सेल की, बात कर रहे थे कि एनिमल सेल में सेल मेम्ब्रेन के पास आकर और वेस्ट डिस्प्यूज हो जाता है। ठीक है, हम लोग समझे थे। लेकिन प्लांट सेल में क्या होता है, क्या क्वेश्चन ये आ रहा है कि प्लांट सेल और एनिमल सेल दोनों का वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम एक सा होता है? तो नहीं। हम लोग ये जानते हैं कि प्लांट सेल में जहां लार्ज वैक्यूल पाया जाता है, क्यों पाया जाता है आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। एनिमल सेल में स्मॉल छोटे छोटे वैक्यूल पाए जाते हैं, एनिमल सेल में छोटे छोटे वैक्यूल पाए जाते हैं। रीजन ये होता है कि एनिमल सेल का मेम्ब्रेन परमिएबल होता है और जो बाय प्रोडक्ट होते हैं वो एक सेल से दूसरे सेल, दूसरे सेल से तीसरे सेल होते हुए किसी न किसी तरह से वे ट्रांसपोर्टेशन फ्लूड में मिला दिए जाते हैं या कुछ स्पेसिफिक ऑर्गन्स में स्पेसिफिक सैक्स होते हैं, पॉड्स होते हैं, बैग्स होते हैं जहां उस वेस्ट प्रोडक्ट को, एक्सक्रीट्स को डिस्पोज ऑफ कर दिया जाता है। जैसे जितने भी अमोनिकल वेस्ट होंगे वो लास्ट में आकर किडनी में मिल जाएंगे, यूरिन में, किडनी में आएंगे, वो उनका फिल्ट्रेशन होगा। गैसियस वेस्ट होगा, लंग्स में फिल्ट्रेशन होगा और उनमें ब्लड का, यानी उन मेम्ब्रेन से ही, जो सेल मेम्ब्रेन है उन मेम्ब्रेन के आसपास ब्लड सर्कुलेट करेगा और ब्लड किसी न किसी तरह से उस वेस्ट को रिसीव कर लेगा, डिस्पोज ऑफ कर देगा। बट क्या प्लांट में ऐसा होता है? प्लांट सेल की अगर बात करते हैं तो हम जानते हैं कि प्लांट का सेल वॉल रिजिड होता है। प्लांट के सेल वॉल से अगर दो प्लांट सेल की बात करते हैं तो इनमें क्या पाया जाता है, सेमेंटिंग लेयर है ना, हम ये समझते हैं। प्लांट में सेल मेम्ब्रेन पाया जाता है और प्लांट के जितने भी सेल्स बनते हैं आप इनमें, इनके डिस्पोजल के लिए तो प्लाज्मोडेस्माटा है। ठीक है, प्लाज्मोडेस्माटा जो एक सेल से दूसरे सेल में जुड़ा हुआ है। बट प्लांट में ऐसा कोई सर्कुलेटरी सिस्टम नहीं है, एनिमल में है। ऐसा सर्कुलेटरी सिस्टम होता है जो सारे ऑर्गन या कहीं सारे सेल्स या टिश्यू में जितने भी बाय प्रोडक्ट बनते हैं, जितने भी वेस्ट बनते हैं उनको तो ये रिमूव कर सके। प्लांट में ऐसा नहीं होता है। प्लाज्मोडेस्माटा तो होता है बट प्लाज्मोडेस्माटा इतना एफिशिएंटली वर्क नहीं करता है कि सारे वेस्ट को रिमूव कर सके। दैट्स व्हाई आवश्यकता पड़ जाती है वैक्यूल्स की। तो पहले समझते हैं कि वैक्यूल होता क्या, वैक्यूल होता क्या? करा वैक्यूल्स आर मेम्ब्रेन बाउंड सैक विद इन साइटोप्लाज्म इन मैच्योर प्लांट। मैच्योर प्लांट में साइटोप्लाज्म में पाए जाने वाले मेम्ब्रेन बाउंड सैक होता है, खोल होता है, पाउच होता है, राइट? इसमें मेम्ब्रेन बाउंड सैक होता है साइटोप्लाज्म।
बैटरी साइटोप्लाज्म पाया जाता है, मेम्ब्रेन वॉल होता है, सिंगल मेम्ब्रेन पाया जाता है, चाहे वो बैटरी एनिमल का हो या प्लांट। बट प्लांट में बड़ा लार्ज वैक्यूल पाया जाता है। कहा जाता है कि प्लांट का जो वैक्यूल है वो इस तरह से ऑर्गेनल्स रहेंगे, इस तरह से रहेंगे, मतलब ये इस तरह से ऑर्गेनल्स रहेंगे, मतलब यहां पर सारे सेल ऑर्गेनल्स रहेंगे, और एक बहुत बड़ा हिस्सा बीच में खाली रहेगा, वैक्यूल्स का रहेगा, लार्ज वैक्यूल पाया जाएगा। अब इस लार्ज वैक्यूल्स के कई फंक्शंस हैं। पहले होता है स्ट्रक्चरल सपोर्ट प्रोवाइड कराना, इसको स्ट्रक्चरल सपोर्ट प्रोवाइड कराना, ठीक। फिर इनको इनका वेस्ट डिस्पोजल, कोई भी सेल ऑर्गेनल जो भी वेस्ट बनाएगा इस वैक्यूल में जमा कर देगा, जितने भी तरह के वेस्ट डिस्पोज हो रहे हो, चाहे वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम डिस्पोज करता हो, लाइसोसोम डिस्पोज करता हो, राइबोसोम डिस्पोज करता हो, गॉल्जी बॉडी डिस्पोज करता हो, सब के सब अपना जो बाय प्रोडक्ट होता है, वेस्ट डिस्पोजल होता है, वो कहां वैक्यूल्स में डाल देता है। इट ऑल्सो हेल्प इन प्रोटेक्शन, अगर किसी तरह से प्लाज्मोडिस्माटा के द्वारा किसी सेल में होता हुआ या जाइलम या फ्लोएम के द्वारा होता हुआ कोई इंफेक्शियस एजेंट आ जाता है, वो सीधा वैक्यूल में आकर जमा हो जाता है। अलोंग विद इट ग्रोथ की भी अगर बात होती है तो प्लांट का ग्रोथ बड़ा एफिशिएंट होता है, ये हम समझे थे। क्या होता है कि जब ग्रो करना होता है ना प्लांट को, जब शुरू में जब प्लांट की साइज बढ़ती है, सेल बढ़ती है, लेंथ बढ़ती है, तो क्या होता है इसमें वाटर इंटेक बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, और वाटर इंटेक जब बढ़ता है ना तो धीरे 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 ये स्वेल करने लगता है, अपना साइज बढ़ाने लगता है, तो ये ग्रोथ में भी काम कर देता है, राइट। आगे कहते हैं इसका जो सेंट्रल वैक्यूल है, सेंट्रल वैक्यूल एक मेम्ब्रेन के द्वारा घिरा हुआ रहता है, जिसको हम लोग कहते हैं टोनोप्लास्ट। टोनोप्लास्ट क्या कहते हैं? टोनोप्लास्ट, टोनोप्लास्ट एक मेम्ब्रेन है। टोनोप्लास्ट इज ए मेम्ब्रेन, टोनोप्लास्ट इज ए मेम्ब्रेन दैट बाउंड सेंट्रल वैक्यूल। टोनोप्लास्ट इज इंटेग्रल पार्ट ऑफ सेंट्रल वैक्यूल ऑफ प्लांट। टोनोप्लास्ट प्लांट के सेंट्रल वैक्यूल का इंटेग्रल पार्ट होता है, अभिन्न अंग होता है, इसके बिना सेंट्रल वैक्यूल नहीं बन सकता। ये इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम का पार्ट है, इंडो मतलब अंदर के मेम्ब्रेन सिस्टम का पार्ट होता है। अब आप इस तरह से कह सकते हैं कि प्लांट में दो सेल मेम्ब्रेन पाया जाता है, एक सेल मेम्ब्रेन तो पाया जाता है सेल वॉल के पास जिससे प्लाज्मोडेस्माटा गुजरता है, और दूसरा मेम्ब्रेन पाया जाता है जिसे हम लोग टोनोप्लास्ट कहते हैं, जो क्या करता है सेंट्रल वैक्यूल को घेरे हुए रहता है, राइट। अब आगे बात करते हैं, इसी तरह से कहता है क्या कि वैक्यूल, वैक्यूल कौन कौन बनाता है अमित पाल, हम लोग समझेगा वैक्यूल, चाहे वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बनाएगा या गॉल्जी बॉडी बनाएगा या लाइसोसोम भी बनाएगा। एनिमल नाम समझे, एनिमल सेल में क्या समझे थे, एनिमल सेल में ये सेल मेम्ब्रेन है, हम लोग एक्सोसाइटोसिस समझे थे, एक्सोसाइटोसिस समझे थे ना, तो एक्सोसाइटोसिस मान लीजिए ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस ये आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में सबस्टांसिस का ट्रांसफर हुआ, तो यहाँ से ये क्या बन गया, ये क्या बन गया, ये पीआर सिस्टर, नहीं 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 है ना, तो अब मॉडिफाइड हुआ, और ये मॉडिफाइड होकर क्या बना दिया, एंडोप्लाज्मिक ये गॉल्जी बॉडी के रूप में, गॉल्जी बॉडी के फॉर्म में कन्वर्ट हो गया है ना, गॉल्जी बॉडी बन गया। अब ये गॉल्जी बॉडी से क्या हो गया, इसे जो फूटा वैक्यूल, तो ये इसमें आपको वैक्यूल बनाया, इस वैक्यूल में ये वैक्यूल क्या क्या, चाहे वो
अब हम ये भी पढ़े थे कि वैक्यूस अगर डाइजेस्टिव एंजाइम है तो लाइसोसोम बन गया। अब ये वैक्यूस बना यानी इसमें कहीं भी अगर किसी भी प्रकार का जो बाय प्रोडक्ट बनेगा, किसी प्रकार का बाय प्रोडक्ट बनेगा वो वैक्यूस में आकर जमा हो जाएगा। आपको कहते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अलग अपना वैक्यूस बनाएगा, गॉल्जी बॉडी अपना अलग वैक्यूस बनाएगा, और ये वैक्यूस जो है जो सब्सटेंसेस है उसको लेकर कहाँ आएगा, मेम्ब्रेन के पास लाएगा और एक्सोसाइटोसिस कर देगा यानी अपने प्रोडक्ट को मेम्ब्रेन के बाहर रिलीज कर देगा और ये जो वैक्यूस का मेम्ब्रेन था ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन का पार्ट बन जाएगा। राइट, प्लांट में ऐसा नहीं होता है। प्लांट में क्या हुआ कि ये जो वैक्यूस बनेंगे, ये वैक्यूस पहले से होंगे छोटे छोटे वैक्यूस, इसमें छोटे छोटे वैक्यूस रहेंगे, पर प्लांट के केस में जो छोटे छोटे वैक्यूस बनेंगे ये छोटे छोटे वैक्यूस आपस में फ्यूज अप होंगे, जुड़ जाएंगे और फ्यूज अप होकर के एक बड़ा वैक्यूम बना देगा। ये फ्यूज अप होकर के बड़ा वैक्यूम बना देगा। अब कह रहा है क्या कि इसमें एक टर्म आता है सेल सैप। सेल सैप क्या होता है? तो अगर वैक्यूल में, अगर वैक्यूल केमिकल पैलेट ऑफ वैक्यूल सॉल्यूशन इज कॉल्ड सेल सैप। अब अगर इसमें वैक्यूल में कहीं कोई केमिकल भरा हुआ है, केमिकल भरा हुआ है तो उसको हम कह देंगे सेल सैप। क्या कहेंगे? सेल सैप। कुछ वैक्यूल्स होते हैं प्लांट के, कुछ वैक्यूल्स होते हैं वे वैक्यूल्स स्पेसिफिक पिगमेंट रखते हैं और उस स्पेसिफिक पिगमेंट के कारण भी फ्लावर्स का कलर कलरफुल होता है। फ्लावर कलरफुल होता है। फ्लावर कलरफुल सिर्फ पिगमेंट के कारण नहीं होता है। फ्लावर कलरफुल सिर्फ पिगमेंट के कारण नहीं होता, सिर्फ क्रोमोप्लास्ट के कारण नहीं होता है। कुछ ऐसे भी फ्लावर्स हैं जिनमें वैक्यूल्स में पिगमेंटेड पिगमेंट होता है, यानी उसका जो सेल सैप होता है, वैक्यूल्स का जो लिक्विड होता है, वैक्यूल में सब्सटेंस भरा होता है और स्पेसिफिक कलर होता है। आपको कमेंट करना है दो ऐसे फ्लावर्स का नाम जो वैक्यूल्स के कारण कलरफुल होते हैं, जिनके कलर वैक्यूल्स के कारण होते हैं। आप कमेंट कीजिएगा। आगे बात करते हैं कि कुछ वैक्यूल प्लांट के कुछ पार्ट बहुत ही कड़वे होते हैं, इतने कड़वे कि उसके उसे एनिमल नहीं खाते हैं। एनिमल सारे प्लांट को नहीं खाते हैं, ये डिफेंस मैकेनिज्म का भी काम करता है। कुछ प्लांट्स के जो पार्ट्स होते हैं उनके टेस्ट इतने बिटर, इतने कड़वे होते हैं कि उन्हें कोई इंसेक्ट भी नहीं खाता, उन्हें कोई पेस्ट भी नहीं खाता। वो क्यों होता है? वो इसी कारण होता है कि कुछ प्लांट कुछ विशेष प्रकार के केमिकल्स बनाते हैं वेस्ट के रूप में, लाइफ प्रोसेस के वेस्ट के रूप में, बाय प्रोडक्ट के रूप में, और उस बिटर टेस्ट वाले सब्सटेंस को वैक्यूल्स में पैक करके और डाल देते हैं। जैसे ही कोई एनिमल्स खाता है उनको उसका टेस्ट कड़वा लगता है, जैसे ही कोई प्रोबोसिस मॉस्किटो या कोई ऑर्गेनिज्म उसका नेक्टर सक करने के लिए अपनी प्रोबोसिस को चुभोता है, वो क्या होता है? वो बिटर टेस्ट जाता है और उसे छोड़कर उड़ जाता है। इसी तरह से हम कह सकते हैं कि कुछ वैक्यूम्स में फेरोमोन लाइक सब्सटेंसेस भी आता है जिसके कारण उसके पास जाने से वो खुश हुआ। इसके साथ ही साथ डेवलपिंग प्लांट सीड की अगर बात करते हैं, डेवलपिंग सीड की बात करते हैं तो सीड के कोटिलडॉन में भी वैक्यूम पाया जाता है। सीड के कोटिलडॉन में भी वैक्यूम पाया जाता है और उस वैक्यूम में प्रोटीन भरा रहता है जो जो ग्रोइंग एम्ब्रियो को नरिश करता है, ग्रोइंग एम्ब्रियो को नरिश करता है। राइट, यानी प्लांट का जो कोटिलडॉन होता है उसमें भी वैक्यूम पाया जाता है, उस वैक्यूम में न्यूट्रिएंट रहता है। जैसे ही सीड माइक्रोपाइल से वाटर को सक करता है, मॉइस्चर में जाता है, वो सेंट्रल वैक्यूम में वाटर भर जाता है और वो प्रोटीन डिसॉल्व हो जाता है और वो प्रोटीन ही एम्ब्रियो को मिलता है जिसे कर्म ग्रो करता है। इस तरह से हम देखते हैं कि वैक्यूम प्लांट के लिए कितना इंपॉर्टेंट है, कितना इम्पोर्टेंट है, चाहे डिफेंस मैकेनिज्म की बात हो, चाहे वेस्ट डिस्पोजल की बात हो, चाहे कुछ पार्ट को
कलर करने की बात हो, चाहे प्रोटीन प्रोवाइड यानी न्यूट्रिएंट को काफी लंबे समय तक स्टोर करने की बात हो। अब सीड के उस वैक्यूल में, सीड के उस वैक्यूल में प्रोटीन या अलग न्यूट्री या अदर न्यूट्रिएंट काफी लंबे टाइम तक स्टोर हो सकता है। 1 ईयर 2 ईयर 3 ईयर 5 मंथ काफी लंबे समय तक स्टोर रख सकता है। तब तक स्टोर रखेगा जब तक उसे वाटर ना मिले। ये एक अलग तरह का प्लांट का एक अलग मॉडिफिकेशन है। देखिए कितनी खूबसूरती से सेल्स अपने आप को अरेंज किया है, कितने खूबसूरती से सेल्स अपने ऑर्गेनस को अरेंज किया है। ऐसे ही इतना टाइम नहीं लग गया है यूनिसेलुलर टू मल्टी सेलुलर आने में। एक एक रिक्वायरमेंट को ध्यान में रखा गया, उसको ध्यान में रख कर ही अलग अलग ऑर्गेनस को बनाया गया। किस सेल में कितने या किस सेल में कौन से कितने सेल ऑर्गेनल होंगे, ये कहां से तय कर, कौन तय करेगा, ये तय करेगा कि लंबे समय से ये तय करेगा वो सेल कितनी एक्टिव है, उस सेल को कितनी वो सब्सटेंस की आवश्यकता है। जैसे आप जानते हैं एटीएस राइबोसोम में 16,000 टाइप्स के क्या होते हैं, 16,000 टाइप के अमीनो एसिड है, तो 70S में 8,000 टाइप का अमीनो एसिड, 16,000 टाइप के अमीनो एसिड बने एक दिन में तो नहीं बन गए ना, 16,000 टाइप के अमीनो एसिड एक दिन में नहीं बने। तो नेचर इज द बेस्ट इंजीनियर, नेचर से बढ़िया इंजीनियर कोई नहीं है। एक एक चीज को देखता है, एक एक चीज को स्टडी करता है, नेचर देखता है कि कहां पर किसकी आवश्यकता, कितनी खूबसूरती से वैक्यूम डाला गया कि चलो भाई जो वेस्ट है वहां डाल दो, चलो भाई इस वैक्यूम को यहां डाल दो, चलो भाई ऐसा है तो कोई खा सकता है, बहुत ज्यादा खा सकता है तो ऐसा कर दो, इसकी कम है मतलब प्लांट्स कम है देर से ग्रो होता है तो चलो इनके वैक्यूम में कुछ ऐसे सब्सटेंस डाल दो जो बीटल लगे करवा दो। अब इसी के साथ सेंट्रल वैक्यूम स्टोरेज का भी काम करता है, खासकर सेंट्रल वैक्यूम में मिनरल स्टोर होता है, न्यूट्रिएंट स्टोर होता है, सॉल्ट स्टोर होता है, प्रोटीन पिगमेंट स्टोर होता है। क्या क्या स्टोर कर सकता है, ये क्या स्टोर कर सकता है, मिनरल न्यूट्रिएंट सॉल्ट प्रोटीन पिगमेंट ये सब स्टोर कर सकता है। अब कुछ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में भी वैक्यूम पाए जाते हैं, यूनिसेलुलर में अलग टाइप के वैक्यूम पाए जाते हैं जिसे हम कहते हैं कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूम। नाम सुना है आपने कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूम क्या होता है और कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूम क्या काम करता है, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूम क्या है, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूम क्या काम करता है, किसने पहले ढूंढा, तो इसे सबसे पहले ढूंढे एस्पेलेंजिली ने। एस्पेलेंजिली ने इसे सबसे पहले कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूम को ढूंढा कब, 1776 में प्रोटोजोअल में क्या ढूंढा, सेंट्रल कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूम, क्या ढूंढा, सेंट्रल कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूम। इससे पहले वैक्यूम को सबसे पहले किसने देखा था, तो वैक्यूम को सबसे पहले एंटोन वॉन लीवेनहॉफ ने 1676 में देखा था। वैक्यूम सबसे पहले किसने देखा था, एंटोन वॉन लीवेनहॉफ कब, 1676 में सेंट्रल वैक्यूम को देखा था, लेकिन कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूम को एस्पेलेंजिली ने देखा प्रोटोजोअन में 1776 में। ये कंप्लीटली ऑस्मोरेगुलेटरी ऑर्गन होता है, ऑस्मोरेगुलेटरी ऑर्गन होता है जो ऑस्मोसिस को, ऑस्मोसिस का मतलब क्या होता है, रिसना, ये और ऐसा ऑर्गन है जो ये देखता है कि वाटर की आवश्यकता है या नहीं है,
वाटर की आवश्यकता है कि नहीं? वाटर की आवश्यकता उस ऑर्गेनिज्म के अंदर है या बाहर है? अगर प्रोटोजोअन के अंदर वाटर की जरूरत पड़ जाएगी तो क्या करेगा, वो कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूम थोड़ा सा फैल जाएगा और वाटर उसके अंदर भर जाएगा, भर जाएगा। अगर उसे वाटर की कम ज्यादा वाटर भर गया, वाटर ज्यादा भर गया या बाय प्रोडक्ट ज्यादा बन गया, वेस्ट प्रोडक्ट ज्यादा बन गया, सेलुलर ऑर्गेनिज्म जो है अमीबा या पैरामीशियम यूग्लिना अपना वेस्ट डिस्पोजल कैसे करता है? तो वेस्ट डिस्पोजल के लिए वही किया, क्या किया कि जब वेस्ट की मात्रा हो गई बढ़ गई तो क्या किया, कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूम खुल गया, कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूम से पानी उसे पानी तेजी से भरा, उसके बाद क्या किया अपने आप को सिकुड़ दिया और कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूम के द्वारा वो अपना सारा वेस्ट प्रोडक्ट को बाहर फेंक दिया। बात समझ में आ रही है? आप समझ में आ रही नहीं? एक बार फिर मान लो कोई इनिशियल ऑर्गेनिज्म है, अब इसके अंदर काफी सारे वेस्ट भर गए, डिस्पोजल वेस्ट भर गए, अब इन्हें डिस्पोज करना है तो क्या करेगा, इनके बॉडी में कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूम डेवलप होना शुरू हो जाएगा। अब पहले कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूम से वाटर अंदर आएगा, वाटर अंदर आया, सीवी बना ये कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूम, सेंट्रल कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूम से वाटर अंदर आया, वाटर अंदर आने के बाद उस वाटर में ये जो वेस्ट प्रोडक्ट है वाटर में घुल गया और जैसे ही वाटर में घुला ये अपना आपका स्पीज कर दिया, स्पीज कर दिया, कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूम को सिकुड़ दिया। जब कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूम सिकुड़ गया, स्पीज हो गया तो क्या हो गया, वेस्ट प्रोडक्ट बाहर निकल गया। तो ये एक काम है कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूम का, इनिशियल ऑर्गेनिज्म होता है। इसी तरह से कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूम्स की मदद से यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म अपने वाटर बैलेंस को कंट्रोल करता है, कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूम्स की मदद से ये ऑर्गेनिज्म वेस्ट डिस्पोजल करता है। तो इस तरह से इस क्लास में, इस लेक्चर में आप समझे वैक्यूम्स के बारे में, आप समझे सेंट्रल वैक्यूम्स के बारे में। आगे के लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे माइक्रोट्यूबुल्स क्या होता है, माइक्रोफिलामेंट क्या होता है ना, इनके बारे में हम लोग समझेंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप वॉचिंग ऑन माई वीडियो टू श्योर एंड डेफिनेटली।